हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम नरेश है। अभी आज हम निकले हैं अहमदाबाद से सूरत के लिए लॉन्ग ट्रिप लेके बड़ा दुख में। ये हम पहुँच चुके हैं अभी एक्सप्रेस हाईवे पे। देखते आज कितना रास्ता कठिन है क्या है, चलो आप मैं आपके व्लॉग में आपको मैं बता दूँ आज क्या रास्ते में क्या तकलीफ पड़ती है क्या नहीं, वो तो भी आगे देखते हैं व्लॉग में। अभी हम चल रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे पे, अभी नड़िया दिया से बता रहा है 35 किलोमीटर को जाना है बरोड़ा। बरोड़ा में अपना एक जगह पे गाड़ी खाली होगा, उसके बाद अपने जाएंगे पूरा। ये एक्सप्रेस हाईवे अहमदाबाद टू बरोड़ा का, जहाँ टू व्हील थ्री व्हील अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक दिक्कत आपको ज़रूर मिलेंगी, यहाँ पे कोई भी गाड़ी कहीं से भी ओवरटेक कर सकती है, लेफ्ट से हो या राइट से हो कहीं से भी ओवरटेक कर सकती है, इसलिए अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपने चल रहे हैं अपनी स्पीड में 60-70 पे। यहाँ पे एक ही दिक्कत है, कहीं से भी फोर व्हील वाले कहीं पे भी ओवरटेक कर सकते हैं। देखिए आप, जैसे कि ये भाई बंदा ओवरटेक कर रहा है रॉन्ग वे से, इसकी विजिबिलिटी लोअर होगी, आगे कुछ भी चलोगे ब्रेक डाउन गाड़ी खड़ी होगी या कुछ भी होगा तो एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। हम अभी पहुँचे हैं नड़िया डाकोर एग्जिट पॉइंट पे, जो अहमदाबाद से करीब 40 किलोमीटर के बाद में आता है। एक्सप्रेस हाईवे पर तीन ही एग्जिट पॉइंट आते हैं, अहमदाबाद से नड़िया, नड़िया से आनंद, आनंद से बरोड़ा। डाकोर 30 किलोमीटर होता है। हाय गाइस, ये बरोड़ा एक्सप्रेस पे जॉइन होता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जो आता है बरोड़ा से करीबन 10 किलोमीटर पहले जॉइन हो जाता है। अभी हम बरोड़ा टोल पार करके चाय पीने के लिए रुकने वाले हैं। हाय गाइस, अभी हम पहुंचे हैं ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पे, जिसका अभी वर्क चालू है, लेकिन ये टेम्परली अभी बरोड़ा से भरूच तक चालू किया हुआ है, अभी टोल टैक्स कोई चालू किया नहीं है। मैं ये बरोड़ा से एंटर हुआ हूँ, अभी भरूच जाऊँगा जो 65 किलोमीटर है यहाँ से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का बरोड़ा के पास में रेस्ट एरिया। अभी वर्क बहुत चालू है, लेकिन जब कम्प्लीटली हो जाएगा उस टाइम पे इस एक्सप्रेस हाईवे का नज़ारा ही कुछ और होगा। अभी तो साइकिल वाले भी घूम सकते, देखो ये सिंबल जो लगा हुआ है वो बता रहा है कि दो कार के बीच में 70 मीटर का डिस्टेंस रखो, ताकि बाय चांस कुछ भी इमरजेंसी दिक्कत आए तो एक्सीडेंट की शक्यता बहुत कम रहे। इस रोड पे एक ही बात है, बस चलते जाओ चलते जाओ। मुंबई 397।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे हाईवे पे आपको ऐसा है कि चलो कि अपने स्पीड में भाग सकते हैं, यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं होगा, लेकिन पुलिस वाले की जगह यहाँ पे पुलिस वालों की तीसरी आंख जो ऊपर कैमरा सेंसर लगा हुआ है, इसमें आप ओवर स्पीड में जो कैप्चर हुए तो समझो अगले टोल पे आपसे जुर्माने के बिना आपको छोड़ा जाएगा नहीं, अगले टोल पे आपको रोक ही लेंगे। जिस टोल पे आप एग्जिट होंगे उस टोल पे आपको रोक ही लेंगे और ओवर स्पीड का फाइन लगाएंगे। अगर आपको पता होगा एक्सप्रेस हाईवे 4 लेन का मीनिंग, अगर ना पता हो तो मैं बताऊँ कि जो 2 लेन है वो सिर्फ और कॉमर्शियल व्हीकल के लिए है, और जो राइट साइड में 2 लेन है वो कार के लिए है। एक्सप्रेस वे पे 4 लेन का मीनिंग ये जो 4 लेन 8 लेन रोड है, मतलब कि वन साइड में 4 लेन, सामने की वाली साइड में 4 लेन, और इसमें 4 लेन का मतलब है दो जो ये जो लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड वाली 2 लेन है उसमें ओनली फॉर कॉमर्शियल व्हीकल चलते हैं, हेवी व्हीकल बस ऐसा, और जो राइट साइड के 2 लेन है उसमें कार ETC चलते हैं, लेकिन जो राइट साइड वाली है लेन उसमें कंपलसरी डिवाइडर के पास में ज़्यादातर कार अपने नहीं चला सकते, वो सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए ही है। अभी मेरे पास कॉमर्शियल व्हीकल है इसलिए मैं ये डिवाइडर से 3rd लेन में चल रहा हूँ। यहाँ पे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है इसमें जो एग्जिट पॉइंट लिखा होगा, जैसे कि अपने अभी गुजरात में है, तो इसमें एग्जिट गेट का कोड होता है GJ01 GJ8, जैसे कि अभी ये करजन वाला एग्जिट पॉइंट आया इसका कोड लिखा हुआ है GJ08, मतलब कि यहाँ पे गांव के नाम के साथ को लिखा नहीं होगा, कोड नंबर लिखा हुआ होता है GJ, यानी अपने गुजरात में तो GJ लिखा होगा, जैसे कि राजस्थान होगा तो RJ लिखा होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एक कट दिख रहा होगा, ये इमरजेंसी का यू टर्न है, मतलब कि यहाँ पे अभी बहुत लॉन्ग हाईवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, अभी इसमें कट नहीं रखेंगे तो बाय चांस चलो कुछ इमरजेंसी कुछ एक्सीडेंट हुआ अगर कुछ भी हुआ तो इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए वो कट रखा हुआ था, जिससे वो ये समझो कि एग्जिट पॉइंट पे ना जाना पड़े, और वो कट है बैरक वाला, जैसे कि अपने यूज़ करना हो तब कर सकते वरना बंद अपने हाथ में नहीं है यूज़ करना, वो सिर्फ ओनली वो पर रोड वो सेफ्टी वाले ही कर सकते हैं, जैसे कि उनको यू टर्न लगाना हो तो वो बेरे कटा के लगा सकते हैं, वरना समझो कि अभी चलो कि यहाँ पे करजन के पास में कुछ इमरजेंसी एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है तो समझो कि अगला एग्जिट पॉइंट है बरोड़ा, तो बरोड़ा से यू टर्न लगा के आने में बहुत देर हो सकती है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे पे एक कट वर्ड दिए हुए है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे करीबन 30-35 किलोमीटर के अभी मैंने काटा है बड़ौदा से, उसमें करीब 2 रेस्ट एरिया आ गए हैं अभी तक, ये सब दिख रहा है वो रेस्ट एरिया है, अपने को जैसे कि कुछ थकान हो या कुछ भी हो नाश्ता पानी हो तो यहाँ पे अपने गाड़ी पार्क करके रेस्ट कर सकते हैं। अभी बहुत कुछ बनना बाकी है, समझो कि एक्सप्रेस हाईवे रेडी होगा तब तक ये बन के भी कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद में कुछ नज़ारे अलग होगा यहाँ का एक्सप्रेस हाईवे का। अभी हम पहुँचे भरूच और ये है केबल ब्रिज नर्मदा नदी, इसमें हम गए थे सूरत गाड़ी खाली करने के लिए, वहाँ पे गाड़ी खाली हुआ लेकिन डी मार्ट का माल में जो है वो अपॉइंटमेंट पे जाते हैं फिर भी टाइम तो लगता ही है, बड़ी कंपनी है, मैं करीबन पहुँचा था वहाँ पे 2 बजे, तो वहाँ से मैं अभी करीबन 4:35 में वहाँ से फ्री हुआ, वहाँ पे वीडियो अलाउड है नहीं, फोन वोन अलाउड है नहीं, इसलिए मैं बाहर निकला
अभी मैं होटल पे खड़ा हूँ, होटल पे चाय नाश्ता वगैरह करके निकलेंगे सीधा अपने घर की तरफ अहमदाबाद। अपना तो छोटा गाड़ी था तो जल्दी भी थोड़ा, अपना गाड़ी छोटा था तो जल्दी भी खाली हुआ, लेकिन बड़ी गाड़ी वाले को तो बहुत दिक्कत होता है। अपॉइंटमेंट पे आते हैं, चलो समझो कि आज के मेरा जो लोड मैं गाड़ी में जो लोड करके गया था वो अपॉइंटमेंट वाला था मटेरियल, उसका यह डेट आज खाली होने का लिखा था। लेकिन जो भी ट्रक रहता अगर उसका अपॉइंटमेंट लेट रहता, चलो वहाँ पे डॉक पे गाड़ी का जगह नहीं होता तो वो समझो करीबन आज होल्ड ही होता। ड्राइविंग में भी बहुत यानी बहुत डिफरेंट है, चलो कि समझो अपने कार गाड़ी कार टैक्सी या चला रहे हो तो बात अलग है। अभी जो लोडिंग व्हीकल का रहता है वो बहुत पूरा यानी पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अलग रहता है। जैसे कि कार वार चला रहे हो, टैक्सी लाइन चला रहे हो तो चलो पुलिस वालों को इतना दिक्कत नहीं होता, कोई कंपनी में इतना दिक्कत नहीं होता, चलो कुछ भी टेंशन नहीं रहता है। और जबकि अपने लोडिंग व्हीकल चला रहे हो तो कोई कंपनी में फ़ोन अलाउड नहीं रहता है, तो समझो वो फ़ोन गेट के ऊपर है जमा कर लेते हैं, उसके बाद अपने को चलो कि जब तक गाड़ी अनलोड होता नहीं है तब तक अपने यूज़ कर नहीं सकते। अभी जैसे कि दिक्कत एक ही होता है कि चलो समझो अपने कोई भी कंपनी में फ़ोन गेट पे जमा करवा के अपने कंपनी में अनलोड करने के लिए गए और करीब घर से या कहीं से भी इमरजेंसी कॉल आएगा, कॉल अपने रिसीव करेंगे नहीं और दिक्कत टेंशन घर वालों को ज़्यादा हो जाता है कि फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे हो, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। लेकिन अभी कंपनियों का रूल्स रहता है कि गेट पे फोन जमा कराओ मतलब करवाना ही पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये अपनी गाड़ी है, इसको लेके अपने गए थे सूरत, अभी ये सहयोग होटल है भरूच के पास में अंकलेश्वर पे। आप देख रहे हो भरूच अंकलेश्वर रोड पे ये सहयोग होटल है, वहाँ पे अपने चाय नाश्ता किया, अभी निकल रहे हैं अपनी गाड़ी लेके अहमदाबाद की साइड। जैसे कि अभी बताऊँ आपको, मैं पहुँचा हूँ भरूच, अभी मेरे को जाना है अहमदाबाद। तो समझो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस होके जाना है तो मुझे भरूच से लेफ्ट साइड लगाना पड़ेगा गाड़ी, और ओल्ड हाईवे से जाना हो जैसे कि करजन बरोड़ा होके तो मुझे सीधा सीधा जाना है, लेकिन मैं अभी दिल्ली मुंबई हाईवे से जाऊँगा, उसमें ट्रैफिक कम होगा और सीधा मुझे बरोड़ा अंदर एंटर होना नहीं होगा, सीधा डायरेक्टली मैं अहमदाबाद बरोड़ा एक्सप्रेस हाईवे पर टच हो जाऊँगा। इसलिए मैं अभी ये जो मंदिर है स्वामीनारायण मंदिर है इसके आगे से जो लेफ्ट साइड रास्ता मुड़ता है वहाँ से मैं लेफ्ट मुड़ जाऊँगा। अभी यहाँ पे देख लो ये ट्रेलर जा रहा है, आगे कार है और ऑटो वाले को रॉन्ग साइड में आना है, इससे ट्रैफिक नहीं होगा तो और क्या होगा। अभी मैं ये ब्रिज छोड़ के लेफ्ट साइड में मुड़ गया, ओवर ब्रिज में क्रॉस नहीं हुआ उससे पहले मैं लेफ्ट में उड़ा हूँ, ओवर ब्रिज के नीचे से लेफ्ट साइड मुड़ूंगा, वहाँ से सीधा जाऊँगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे। वेरी गुड, रास्ता बंद कर दिया ट्रक वाले ने तो। ट्रैफिक एरिया में कुछ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ट्रैफिक पॉइंट पे होल्ड होना पड़ता है, इसलिए वहाँ का कुछ वीडियो बता रहा नहीं, सीधा एक्सप्रेस हाईवे पे आके ही फिर वीडियो बैक चालू किया है।
पे अभी कंस्ट्रक्शन चालू ही है। अभी मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस पे ही है, करीबन 8 बज गए हैं। अभी 110 किलोमीटर जाना है अहमदाबाद। ये है रात का व्यू मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का।